मीन्स आज की इफ्तारी में एक और क्विक एंड इजी एंड स्पेशल स्नैक्स हम बनाने वाले हैं। तो आप देख लीजिए हमने क्या क्या यहाँ पे लिया है। 2 मीडियम साइज पोटैटोस और 2 एग्स को बॉईल कर लेना है सबसे पहले। तो इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, 2 विसल्स आने तक इसको कुक कर लेंगे। पोटैटोस को बॉईल करने के बाद इस तरह से हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। प्रेशर कुकर में सिर्फ एक ही विसल आने दिया था, अगर हम ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो इसको इस तरह से ग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ एक विसल आने देना है। और साथ में एग को भी ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा कैरेट ग्रेट करके ले लिया है, अनियन को हाफ अनियन हमने बारीक चॉप करके, धनिया और ग्रीन चिलीज ये तीनों को ले लिया है साथ में। और इसमें जाएगा सॉल्ट 1/4 स्पून जितना मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ 1/4 स्पून। 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 स्पून। अभी ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा मिक्सचर अच्छे से बन जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, पोर्शन बना लेंगे। तो हमेशा मैं ये प्रोसीजर फॉलो करती हूँ कि मुझे जितने भी बनाने हैं इक्वल क्वांटिटी में चाहिए रहेगा, तो इस तरह से मैं पोर्शंस कर लेती हूँ। ये हमने बना लिए इस तरह के फिंगर्स में शेप, इस तरह से बना लिया है। आप देख सकते हो, आप अपनी मर्जी से जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा शेप इसका बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा मैदा ले लिया है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप वो भी ले सकते हो। तो उसको जल्दी से वाटर ऐड करके इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे, थिक पेस्ट। और देखो मैंने ऐड करके इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में सिलरी बना ली है। अभी एक एक को इसमें डिप करते जाएंगे और ब्रेड क्रम से कोट करके रख लेंगे। तो इस तरह से कोट करके सारे के सारे पहले रख लेंगे। ये सारे फिंगर्स बन के तैयार हो गए हैं, अभी एक एक करके इनको फ्राई कर लेंगे। पांच से छह एक साथ डाल सकते हो। दो से तीन मिनट तक चारों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसका एक अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे अभी।